क्या कोई कार न्यूक्लियर पावर से चलाई जा सकती है? अभी तक जितनी भी गाड़ियां बनी हैं, वो या तो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जिन्हें हम ईवी कहते हैं। लेकिन 1957 में फोर्ड द्वारा एक ऐसी कॉन्सेप्ट कार को बनाया गया था जो न्यूक्लियर पावर्ड थी। इसके अंदर एक यूरेनियम फिजन से चलने वाला स्टीम इंजन लगा था। यूरेनियम फिजन बेसिकली एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें यूरेनियम दो टुकड़ों में टूटकर हीट जनरेट करके पानी को स्टीम में बदलता है, और स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन मोटर को घुमाती है। वही कॉन्सेप्ट है जिससे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इस कार की सबसे खास बात ये थी कि बस ये एक न्यूक्लियर पावर्ड कार थी, और बुरी बात ये थी कि 8000 किलोमीटर चलने के बाद इसके न्यूक्लियर पावर इंजन को रिप्लेस करना पड़ता। हाँ, ये एक न्यूक्लियर इंजन से सिर्फ 8000 किलोमीटर चल सकती थी, और इसीलिए ये कार मार्केट में आने से पहले ही फेल हो गई। वैसे ये कॉन्सेप्ट तो काफी मजेदार और फ्यूचरिस्टिक था, और हमारी वीडियोस के कॉन्सेप्ट भी काफी मजेदार होते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।